नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहला सेल्फ लर्निंग ब्रेल उपकरण, मशीनें करती हैं भुवनेश्वर को साफ। प्लास्टिक अपशिष्ट से आकर्षक थैलियां, आवश्यक है अंगदान का प्रचार। दिल्ली में आएगी वर्ल्ड क्लास रेलवे। यह ब्रेल उपकरण दृष्टिहीनों को खुद पढ़ने में मदद करता है। डालते हैं एक नजर। अधिकांश नवाचारों के लिए समर्पण, धैर्य और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी गोवा के 4 अभियांत्रिकी स्नातकों ने नेत्रहीनों के लिए एक सहायक शिक्षण उपकरण एनी विकसित किया है। संस्कृति डावले, सैफ शेख, अमन श्रीवास्तव और दिलीप रमेश का नवाचार एक कंपनी थिंकरबेल लैब्स के रूप में विकसित हुआ है। एनी एक ब्रेल साक्षरता उपकरण है जिसमें रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, एक डिजिटल ब्रेल स्लेट और एक ब्रेल कीबोर्ड जैसे घटक होते हैं। यह संयोजन छात्रों को खुद को ब्रेल में पढ़ना, लिखना और टाइप करना सिखाने में मदद करता है। स्वच्छ भुवनेश्वर के लिए लाई गए है यांत्रिक सफाई यंत्रणा, आइए देखते हैं। भुवनेश्वर शहर को साफ सुथरा करने में बहुचर्चित मैकेनिकल स्वीपिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले इस शहर को टूर्नामेंट से पहले साफ सुथरा किया गया था। यांत्रिक सफाई मशीन में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक ने सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स के प्रबंधन को सुनिश्चित किया, क्योंकि ये मशीनें वैक्यूम तकनीक का उपयोग करती हैं। इससे सांस संबंधी बीमारियों को भी कम करने में मदद मिली है। भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर में 2 निजी संस्थाओं को यह काम दिया था। प्रावधानों के अनुसार यांत्रिक सफाई मशीनों को तैनात किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि काम रात के समय किया जाए। अब इस प्रक्रिया का अनुसरण अन्य शहरों में भी किया जाने की उम्मीद है। चेन्नई की जानकी विश्वम प्लास्टिक के कचरे से कई सारी चीजें बनाती हैं और यह सब उन्होंने YouTube से सीखा है। जानकी विश्वम चेन्नई में रहने वाली 92 वर्षीय उत्साही कलाकार हैं। जानकी फेंके गए प्लास्टिक और कचरे से दैनिक उपयोग के लिए सुंदर उत्पाद बनाती हैं। टेबल मैट, लगेज टैग्स, टोस्टर कवर, कैरी बैग्स और यहाँ तक कि पैसे ले जाने के लिए और पत्र रखने के लिए छोटे पाउच भी। 2019 में जब तमिलनाडु ने राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया तो जानकी ने घर पर मौजूदा प्लास्टिक कवर का पुनर्नवीकरण करने के तरीकों के बारे में सोचा। उन्होंने विभिन्न उत्पादों के लिए प्रयोग करना शुरू किया, YouTube पर वीडियो देखकर सीखना शुरू किया। वह फोन का उपयोग करने और YouTube पर शोध करने में निपुण नहीं थी, लेकिन उनकी बहू रुचि इस काम में उनकी मदद करती है। अंगदान के महत्व को जताते हुए अभिनव पांगते अंतरराष्ट्रीय खेलों में सहभागी होंगे। इस साल अप्रैल में होने वाली वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड में जन्मे अभिनव पांगते बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। पिथौरगढ़ के इस निवासी के लिए ये खेल एक खास कारण से महत्वपूर्ण है। 2018 में उन्हें पता चला था कि उनकी किडनी 90% खराब हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द किडनी डायलिसिस शुरू करने की सलाह दी गई। इस दौरान उन्हें पता चला कि अंग दान को बढ़ावा देने और कागजी कार्रवाई में एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस साल ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होने वाले विश्व प्रत्यारोपण खेलों में अंगदान के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए अभिनव इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं। अभिनव कहते हैं कि अंगदान पुण्य का काम है। यह सबसे बड़ा दान है जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली एक विशाल नई रेलवे का निर्माण कर रही है, लेते हैं ज्यादा जानकारी। दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है और यह सबसे प्रदूषित शहरों में से भी एक है। दिल्ली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
एक नई पहल है जो मध्य दिल्ली को NCR के आसपास के शहरों और जिलों से जोड़ेगी। पहले चरण में 3 सेमी हाई स्पीड रेल लाइनें शामिल होंगी जो राजधानी के केंद्र में नए स्टेशन से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में चलेंगी। इस दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस स्टेशन के निर्माण में 3.5 साल लगने की उम्मीद है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता है। कौन सी है यह फिल्म, आइए जानते हैं जाते जाते। भारत ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में इतिहास रच दिया है। कार्तिकी गोंजालविस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता है। आइए देखते हैं ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।